कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए आरोपों पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस मुद्दे का शोर सुनाई दे रहा है। दुनिया के कई प्रमुख देशों ने दोनों देशों के बीच तनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कनाडा मुद्दे पर भारत का समर्थन करते हुए पश्चिमी देशों को लताड़ लगाई है। आपको बता दें, ट्रूडो ने सिख फॉर जस्टिस ग्रुप से जुड़े हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की भूमिका होने का आरोप लगाया और भारत के एक शीर्ष राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश जारी किया था। भारत ने इन आरोपों को न सिर्फ सिरे से नकारा है बल्कि जवाबी कदम उठाते हुए कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को देश छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। पिछले कुछ समय से खालिस्तान समर्थक गतिविधियों का केंद्र बने कनाडा के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए भारत ने वीजा सर्विस भी सस्पेंड कर दिया है। मतलब यह कि कनाडा का कोई भी नागरिक अब भारत नहीं आ सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि चीन ने भारत का समर्थन करते हुए क्या बोला है। जहां अमेरिका ने भारत के खिलाफ कनाडा के आरोपों को बेहद चिंताजनक बताया, वहीं चीन ने इसे पश्चिमी देशों का पाखंड करार दिया है। हालांकि बीजिंग में इस मामले में अमेरिका को भी लपेटे में ले लिया है। G7 देशों ने भी प्रमुख राष्ट्र महासभा के इतर जारी संयुक्त बयान में ट्रूडो के आरोपों पर कुछ नहीं बोला है। चीन ने इस विवाद को अमेरिका और पश्चिमी देशों के गठबंधन की साजिश करार दिया है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, अमेरिका के नेतृत्व वाली तथाकथित मूल्य आधारित गठबंधन प्रणाली की कमजोरी की कलई खुल गई है। पश्चिमी देश मानवाधिकारों के रक्षक होने का दावा करते हैं और अक्सर मानवाधिकार संबंधी मुद्दों पर दूसरे देशों की आलोचना करते हैं। भारत के लोकतंत्र के लिए उनकी प्रशंसा मुख्य रूप से भू राजनीतिक हितों और भारत को उनके चीन विरोधी गठबंधन में शामिल करने की इच्छा से प्रेरित है। आपको बता दें, भारत और कनाडा के बीच विवाद चरम पर है। कनाडा उन देशों में शामिल रहा है जिसने भारत की हर मुद्दे पर आलोचना की है। बता दें, भारत और कनाडा के राजनयिक संबंध आजादी के बाद ही जुड़ गए थे, लेकिन भारत के खिलाफ कनाडा ने हर बार साजिश की है। कनाडा ने भारत के खिलाफ कश्मीर और परमाणु परीक्षण पर भी आवाज बुलंद की थी, भारत के खिलाफ माहौल बनाया था। अब एक बार फिर कनाडा भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों देश एक दूसरे के राजनीतिज्ञों को अपने देश से बाहर जाने का फरमान सुना चुके हैं। भारत लगातार कनाडा से खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन करने को कह रहा है, लेकिन कनाडा ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। G20 में भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को PM मोदी ने साफ कह दिया है कि भारत के खिलाफ कनाडा की जमीन पर खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा देना अस्वीकार है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो के कनाडा जाने के बाद दोनों देशों के संबंधों में लगातार गिरावट देखी जा रही है।